सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, अभी हॉस्टल वार्डन का एग्जाम है आपका, आगे एग्जाम होना है और उसके लिए हम अलग अलग जो CGVFM का क्वेश्चन पेपर है उससे कंप्यूटर के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपका CGVFM का क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ये भी एक कोई क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा था CD की डाटा स्टोर करने की क्षमता खाली स्थान होती है। तो देखिए, किसी भी CD की जो डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है वो 700 MB होती है और वहीं पर DVD पूछ दिया जाए तो 4.7 GB होती है DVD की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब देखिए, अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पैम कहा जाता है। अवांछित मतलब अनसॉलिसिटेड जो ईमेल होता है उसे कहा जाता है स्पैम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, URL का अर्थ है। तो देखिए, URL का अर्थ क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इसे क्वेश्चन को देखने के बाद आपको कंफ्यूजन जरूर होगा एक बार, क्योंकि यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर है, फिर यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो हमारा क्या आंसर है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर है आपका क्वेश्चन, देखिए DVD में हम खाली स्थान रंग के लेजर किरणों का उपयोग इंफॉर्मेशन को पढ़ने या लिखने के लिए करते हैं। तो DVD में हम लाल रंग की लेजर किरणों का उपयोग करते हैं इंफॉर्मेशन को पढ़ने या लिखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 70 में, कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से नहीं होता। अभी हमने पिछला वीडियो देखा था, उसमें पूछा था कि कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर प्रयोग बहुतायत से होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, और जिसमें नहीं होता है पूछा है तो कारपेंटरी दुकान में, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कारपेंटरी दुकान पे जो है बहुत कम यूज है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। कंप्यूटर वायरस की निशानी है, तो कंप्यूटर वायरस की निशानी क्या है? परफॉर्मेंस धीमा हो जाता है। किसका परफॉर्मेंस? सिस्टम का, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का परफॉर्मेंस धीरे हो जाता है, बार बार क्रैश होता है, फाइल मिस होने लगता है, स्टोरेज स्पेस में कमी आने लग जाती है। तो इस तरह की समस्या आए तो आपको समझ जाना है कि उसमें वायरस आ गया है, तो कंप्यूटर वायरस की ये निशानी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसी में। फिर है क्वेश्चन नंबर 72, कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है। तो देखिए, कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है? इंटरनेट। इंटरनेट है जो है कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। चिकित्सीय परीक्षण हो सकता है, पेंटिंग भी हो सकता है, फिशिंग भी हो सकता है, और आंसर है यहाँ पर इंटरनेट जो है कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। फिर देखते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। तो नीचे जो दिया गया है उसमें से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड मैंने क्लास कराया है आपको। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देखिएगा। फिलहाल इसमें देखिए, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, टच पैड। टच पैड क्या है? इनपुट डिवाइस है। बाकी ये सभी जो है, इथरनेट हो गया, वाईफाई डिवाइस जो है, या फिर L2 स्विच हो गया, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, कौन सा प्रिंटर कुछ ही फ्रंट्स में प्रिंट करता है। तो देखिए, लिमिटेड जो फ्रंट में प्रिंट कर सकता है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो हमेशा प्रिंटर से क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। फिर है क्वेश्चन नंबर 75, MS Word किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है। तो MS Word जो है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। कंफ्यूजिंग यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे कि वर्ड प्रेस है, वर्ड ट्रांसलेटर है, वर्ड मैनेजर है, वर्ड प्रोसेसर है, तो MS Word क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। आगे देखते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर 76 आ जाता है आपका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया रखा है इम्पैक्ट मतलब प्रहार, तो प्रहार के द्वारा जो प्रिंट किया जाता है उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो प्रिंटिंग होती है वो प्रहार के द्वारा होता है। तो उसमें छोटे छोटे पिन लगे होते हैं, या फिर आप रॉड कह सकते हैं, उसके थ्रू प्रिंटिंग होती है, इसलिए वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है
सिस्टम सॉफ्टवेयर। अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन मोड में दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो देखिए, स्लाइड को दिखाना है अगर आपको, तो आपको F5 दबाना होगा। F5 दबाकर आप उसे प्रेजेंटेशन मोड में दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो एवास्ट जो है वो भी एंटीवायरस है, क्विकहिल जो है ये भी एंटीवायरस है, मैकफी जो है वो भी एंटीवायरस है, और कास्पर स्काई जो है वो भी एंटीवायरस है। तो चारों क्या है यहाँ पर, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी में, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 है, COVID-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया था। तो आप सभी को पता ही होगा, COVID-19 के समय भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि आप अपने मोबाइल पे आरोग्य सेतु नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको आसपास से कोरोना से संक्रमित मरीजों की जानकारी मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें देखिए, मैक ओएस जो है वो आपका एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओपन सोर्स नहीं है। उबंटू जो है वो आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है उबंटू, विंडोज भी नहीं है और ना ही एमएस डॉस। तो ये सभी ओपन सोर्स नहीं है, उबंटू है। अगला देखते हैं, एमएस एक्सेल में किसी सेल में सूत्र लिखने के लिए हम शुरुआत में खाली स्थान ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। तो जब हम एमएस एक्सेल में कोई सूत्र लिखते हैं तो सबसे पहले बराबर का यूज करते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर है, कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है, तो OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन के नाम से जाना जाता है। OCR जो है आपका इनपुट डिवाइस है, बाकी मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस, ब्लूटूथ स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, लाइन प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आर्ट, ध्वनि, एनिमेशन और वीडियो का कॉम्बिनेशन जो कि कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजा जाता है कहलाता है। तो वो कहलाता है मल्टीमीडिया। क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया। आगे देखिए, डीवीडी का अर्थ है, तो डीवीडी का अर्थ है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर कंफ्यूजिंग वाला रहेगा ऑप्शन, जैसे कि डिजिटल विस्कोसिटी डिस्क, वर्सेटाइल डिस्क, वेसल डिस्क या फिर वर्सेटाइल डिस्क लेकिन डिकोडेड, तो डिकोडेड वर्सेटाइल डिस्क। तो इस प्रकार के कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन रहते हैं। तो एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है आपका डीवीडी का अर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर हमें 20 क्वेश्चन देखे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वही क्वेश्चन देखे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ना कि हम कोई अलग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और सारे क्वेश्चन, इसमें से लगभग सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए थे। तो ये सभी क्या है, रिपीट होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार कंटिन्यू हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें।